Hey guys, good afternoon and welcome back to Mommy and Flurry Tale. It feels like I have not spoken to you guys since ages. Actually, it's been almost a week or more than that. I have not posted any new video. I think many of you know the reason, because I posted on my Insta and I also posted on YouTube. I did a community post to let you guys know that I was not doing so well for last 1 week, and that's the reason I could not shoot and I could not also sit and edit any new video. I was not in a situation to do that. So that's the reason there was no video uploaded on this channel, and I'm really really sorry about it. I know you guys missed us, and especially these babies who are fighting right now. Cue. Actually, Flurry took shower this morning. That also I posted on my Insta story. If you're not following me there, link in the description, also in the beginning of the video. Please do follow me there. Kiara could not take shower this morning because Dipanjan could not give her shower. It's a weekday. Today is what? Today is Thursday. So he's working from home. So he had not enough time to give both of them shower. So Flurry is smelling very nice and Kiara is a little jealous. So since the time Flurry is out of her shower, Kiara is continuously fighting with her, pouncing on her. So that's the story. और आज मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ. क्या हुआ था सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी. इस वीडियो को एंड तक देखिए, मैं ज़रूर शेयर करूँगी. बट लास्ट 1 week वॉज रियली 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 टेरेबल फॉर मी. द थिंग इज़ दैट नाउ आई हैव स्टार्टेड फीलिंग बेटर आफ्टर फ्यू इंजेक्शंस, medications and one round of physiotherapy, which I would not say was that great. So उसके बाद मैं आज, मुझे लग रहा है मुझ में वो confidence वापस आया कि या आई थिंक ये कम हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा. एंड नाउ आई एम इन अ पोजिशन टू टेक माई व्लॉगिंग कैमरा अप एंड टू टॉक टू यू गाइज. और आज का प्लान यही है. एक्चुअली मेरा ऐसे कुछ एक्टिविटी अभी है नहीं, क्योंकि आई एम एडवाइज टू बी ऑन रेस्ट, कम्प्लीट रेस्ट एंड नॉट टू डू एनी थिंग. सो इसलिए मेरा कुछ एक्टिविटी तो है नहीं. लास्ट 4 दिन से तो कुछ भी नहीं था. मैं बस खा रही थी, बैठ रही थी, टीवी देख रही थी, सो रही थी. ये था मेरा एक्टिविटी. तो आज फ्लरी का एक्चुअली वैक्सीनेशन है. सो वी हैव एन अपॉइंटमेंट एट 5 o'clock, बट वी गॉट अ कॉल फ्रॉम द वेट दैट शी वॉन्ट्स टू लीव अर्ली. सो इफ यू कैन जस्ट मेक इट बाई 4 o'clock. सो लेट्स सी, विल ट्राई टू बी देयर बाई 4:30, इफ नॉट 4 o'clock. सो वही है आज का स्टोरी. और आज मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि कियारा को भी लेके जाना है. कियारा का रेगुलर चेकअप ड्यू है, वो करवाना है, और उसका वेट चेकअप, सब कुछ थॉरो चेकअप ज़रूरी है. तो वो बाकी है. फ्लरी का भी थॉरो चेकअप एंड वैक्सीनेशन दोनों ही आज हो जाएगा. और दोनों को लेके मैनेज करना दीपांजन के अकेले के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए मैं जाऊँगी साथ में और देखते हैं क्या होता है. तो आप लोगों को अपडेट करूँगी. देखते रहिए ये व्लॉग और मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करती हूँ कि एक्चुअली क्या हुआ था, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी. सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग. आई नो व्हाट यू वांट बट आई डोंट वांट टू टॉक. यू से इट्स नो वन्स फॉल्ट, द बैटल्स दैट वी लॉस्ट, द चांसेस आई गेव. Mama, say hi. Ye good girl. Say hi. Who's gonna hold your hand in the dark? Who's gonna warm your cold, cold heart? So it's our lunch time. Dipanjan is still working. क्योंकि हाँ अभी तो office का ही time है, काम तो करना पड़ेगा. But he is also side by side arranging all this thing. मैं बस गरम कर करके दे रही हूँ, वो किचन से ला के यहाँ पर रख रहा है. तो अभी हम करेंगे लंच. और ऐसे वीकडेज में साथ में लंच तो होता ही नहीं है. जनरली हम वीक में 2 ही दिन साथ में लंच कर पाते हैं. पर हर एक चीज़ की एक गुड साइड होता है, एक बैड साइड होता है. तो गुड साइड में ये है कि दीपांजन घर पर है, तो हम सुबह के ब्रेकफास्ट से डिनर तक सारे खाना साथ में खा रहे हैं. ये एक गुड साइड है इसका. हमारी फ्लरी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये सुबह है कि शाम है कि रात हो. उसने आज शावर लिया है तो आज सोएगी, दिन भर सोएगी. उसके ऊपर से वैक्सीन लेके आने के बाद तो और सोएगी. तो चलो खाना खा लेते हैं क्योंकि इट्स 2 o'clock, हमें 4 o'clock तक निकलना भी है.
दाद हमारी खूब भैया ने कमाल कर दिया, इतना टेस्टी फिश करी बनाई थी, इतना टेस्टी, मैं खुद वो रह गई, शॉक्ड हो गई कि कैसे इतना अच्छा बना लिया उन्होंने। मैंने भी कभी इतना अच्छा फिश का ग्रेवी नहीं बना पाई हूँ, बहुत ही टेस्टी बना था। तो अभी दीपांजन का तो उस रूम में कॉल चलता रहता है, ऑफिस का काम कर रहा है, तो मैं आ गई हूँ इस रूम में विथ माई अमेजॉन फायर स्टिक। इस चार दिन, इस एक हफ्ता मैंने जम के टीवी देखी है, इतने सारे मूवीज़ या बिग बॉस के कुछ पुराने सीजन्स, बहुत सी चीज़ मैंने देखी है क्योंकि और कुछ नहीं करना था। तो अभी भी थोड़ा सा टीवी देखती हूँ, नींद आती है तो मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लूँगी, क्योंकि मैं जो मेडिसिन जो खा रही हूँ उससे मुझे वो मुझे काफ़ी ड्राउजी बना रहे हैं, मुझे बहुत नींद आती है, मुझे बैठ के ही नींद आ जाती है, इसलिए पता नहीं कितना देर सर्वाइव कर पाऊँगी खाना खाने के बाद, वो भी राइस खाने के बाद। तो देखते हैं, कुछ देर टीवी देखती हूँ, चाहती हूँ कि आज ना सो, क्योंकि अभी 2:30 हो रहे हैं तो 4:00 निकलना है, सो जाऊंगी तो थोड़ा मुश्किल होता है उठना। और मेरे साथ क्यू भी यहाँ पे आ गई है, सो रही थी उस रूम में। क्यारा क्यू कम, क्यू क्यू कम, अभी कंफ्यूज है कि डैडी के पास जाओ कि मम्मा के पास रहो। So it's 5:15 and we are done with Flurry's yearly vaccination. Kiara's is due on next April. तो अभी काफ़ी टाइम है और हम आ रहे हैं वापस डॉक्टर के वहाँ पे, दोनों ने जम के मस्ती की है क्योंकि आज हमारी जो डॉक्टर पंपावती है वो नहीं थे, सो डॉक्टर चांदनी वॉज देयर एंड डॉक्टर चांदनी दोनों को बहुत प्यार करते हैं और बहुत पैम्पर भी करते हैं, सो दे बोथ हैड फुल मस्ती। इन बच्चों को लेके जब निकलती हूँ दिखा दूँ आपको क्या क्या कैरी करती हूँ स्पेशली वैक्सीनेशन के लिए, पहले तो ये बॉल उनको फ्रेश पानी पिलाने के लिए। वी हैव ऑल्सो सीन अ पेट वाटर बॉटल, बहुत जल्दी हम उसको खरीदेंगे भी, कलकत्ता जाने से पहले तो लेना ही पड़ेगा, दैट बिकम्स वेरी हैंडी। उसके साथ दिखाती हूँ क्या क्या लेके आई हूँ, लाई हूँ दोनों के लिए ट्रीट्स क्योंकि आज कियारा का भी फुल चेकअप था, वेट टिश्यूज। सो ये तीन बहुत एसेंशियल चीज़ें जो मैं हमेशा कैरी करती हूँ चाहे मैं कितना भी कम डिस्टेंस ट्रैवल क्यों ना करूँ। मम्मी हे मम्मी, कियारा ड्रैंक अ लॉट ऑफ वाटर, फ्लरी डिडंट। चलो मामा बाड़ी गए, ओके। तो आज वैक्सीन के टाइम में फ्लरी ने कोई भी ची चाय नहीं की क्योंकि डॉक्टर चांदनी गिव्स really smooth vaccines. We have seen Kiara ने भी कभी react नहीं किया है, so it was all smooth and good. And also we have got few more things from doctors. यही गाड़ी कार्ड में ही दिखा देती हूँ, घर जाके दिखाने की जरूरत नहीं, ऐसे भी हम ट्रैफिक में खड़े हैं। So we got these chewable tablets from Brevecto, क्योंकि हमने जो स्पॉट ऑन अप्लाई किया था दैट इज नॉट दैट इफेक्टिव आई वुड से। स्पॉट ऑन अप्लाई करने के 10 डेज बाद भी आई गॉट लाइव टिक्स इन देयर बॉडी, तो मुझे अभी थोड़ा डर लगने लगा है क्योंकि आई डोंट वॉन्ट दिस टिक्स प्रॉब्लम टू गेट सो लार्ज दैट वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल। तो घर पर भी मैंने एक सोल्यूशन बनाया है जो मैं स्प्रे करूँगी हर एक कोने में, सो दैट ऑल्सो आई विल शेयर विथ यू गाइज कि कौन कौन सा चीज़ मिक्स करके दैट होम मेड सोल्यूशन आई हैव मेड। डॉक्टर ने बोला कि स्पॉट ऑन इज नॉट वर्किंग then take this chewable tablets, these are very expensive, very very expensive. मतलब बहुत ज़रूरत ना हो तो प्लीज़ मत नहीं लीजिएगा। एक वन टैबलेट कम्स फॉर ₹2,000, सो वी हैड टू टेक टू एंड दिस कम्स अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी वेट, सो दिस इज़ फॉर 4.5 to 10 kgs, तो वी हैड टू टेक टू फॉर कियारा एंड फ्लरी बोथ। तो 2,000 rupees एक टैबलेट इज़ रियली टू मच बिकॉज आई डोंट थिंक ये इसका इंडिया पे मैनुफैक्चरिंग होता है। दिस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय इंट्रावेट समथिंग इन वियना ऑस्ट्रिया एंड इम्पोर्टेड एंड मार्केटेड बाय अ कंपनी इन थाने, सो दैट्स व्हाई दिस कम्स रियली एक्सपेंसिव, नाउ आई अंडरस्टैंड। चलो अगर कोई इंडिया में
पेट प्रोडक्ट्स कंपनी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग समथिंग लाइक दिस इन इंडिया सो दैट वी गेट इट इन अ रीजनेबल प्राइस बिकॉज 2000 रुपीज फॉर वन टैबलेट टू मच बट व्हाट डॉक्टर सेड दैट दिस आर वेरी वेरी इफेक्टिव और इसका इफेक्ट 6 months तक रहता है सो लेट्स सी और फिर मैं जरूर शेयर करूंगी कि कितना काम हुआ कि नहीं हुआ एंड हियर इज दीपांजन ड्राइविंग द कार हु इज मल्टीटास्किंग नाउ taking care of babies their vaccination taking care of a sick wife who has got so much back pain that not able to move today I'm feeling little better abhi chaliye ghar chalte hain we are back home and these two loves the streets these are pedigree hey keep khabe flourish shake hand oh wowly wowly okay okay debo debo sit So these are pedigree meat jerky sticks and they both love it. Keep calling up my phone like there is nothing wrong. You think we can't pretend, keep acting till the end. Oh baby you're crazy. तो फाइनली मैं आ गई हूँ आप लोगों से बातें करने जो बातें मैं बोल रही हूँ सुबह से आपको बताऊंगी सो ये पोर्शन जो लोग हमारे बंगाली व्लॉग्स फॉलो करते हैं उनको थोड़ा सा रेपिटेटिव लग सकता है बिकॉज दीपांजन इन हिज लास्ट वीडियो हैज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अबाउट द एंटायर थिंग बट आई नो देयर आर मेनी अदर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स हु डोंट फॉलो आवर बंगाली व्लॉग्स सो फॉर देम आई एम शूटिंग दिस पार्ट ऑफ दिस व्लॉग तो हुआ ऐसे कि टुडे वी आर शूटिंग दिस व्लॉग Today is Thursday, so I'm talking about last Wednesday. Last Wednesday evening से मुझे थोड़ा सा back pain feel हो रहा था So I thought it's just a normal back pain, जैसे back pain, shoulder pain in our regular lifestyle, it comes and goes. तो ऐसा ही कुछ बहुत ही simple सा normal सा कुछ होगा और उस दिन थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था दूसरे दिनों से क्योंकि उस दिन मेरा थोड़ा सा काम का pressure ज़्यादा था So रात को As usual, जो नॉर्मल इंसान करते हैं थोड़ा सा मूव लगा के मैं सो गई एंड थर्सडे मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप आई वॉज नॉट एबल टू स्ट्रेटन अप माई बॉडी आई हैड वेरी बैड क्रैम्प ऑन बोथ साइड हियर एंड ऑल्सो इन माई लोअर अपडोमिन एंड विद दैट आई हैड पेन इन माई लोअर बैक पोर्शन सो इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू वॉक टू इवन सिट ऑन द टॉयलेट सीट It was such a bad cramp that I was not able to bend my body in front or backwards. So that made my situation really worse and made my mobility zero. So Friday morning after relaxing my body a little bit, taking some rest, I started feeling better. And the entire day there was not much pain. So Friday night when I slept, in the middle of the night I woke up because I was about to change my side. एंड आई वॉज नॉट एबल टू मुझे इतना पेन था कि मैं कमर में उतना भी प्रेशर नहीं दे पा रही थी कि मैं एक साइड से दूसरे साइड पे मूव करूँ एंड आई डिडंट वॉन्ट टू वेक दीपांजन अप बिकॉज वो पूरा दिन ऑफिस करके सोता है तो मुझे बुरा लगता है आधी रात को नींद से उठाना फिर सैटरडे मॉर्निंग जब मैं उठी सिचुएशन वैसे का वैसे ही था एंड फ्राइडे आई टुक अ पेन किलर विच डिडंट वर्क एट ऑल तो सैटरडे मॉर्निंग वी डिसाइडेड दैट वी गो एंड सी ऑर्थो तो इवनिंग 7:30 अराउंड वी वेंट टू ऑर्थोपेडिक सर्जन हु ऑल्सो प्रैक्टिस इन अपोलो उनके प्राइवेट चैम्बर में हम गए दिखाने एंड दैट जर्नी फ्रॉम होम टू हीज चैम्बर विच इज़ इन जयनगर वॉज ऑल्सो टेरिबल बिकॉज ऑफ द रोड कंडीशन एंड ऑल्सो आई हैड सो मच पेन दैट गेटिंग इन टू द कार एंड सिटिंग देयर फॉर इवन 20 minutes वॉज मेकिंग माई लाइफ हेल So he did a X-ray immediately, and then he said that he's suspecting these are just early signs of sleep disc. So my body is showing these signs, which might be the early signs of sleep disc. उन्होंने बाकी सारे जो भी टेस्ट होते हैं वो सब किया. He prescribed few medications. So इतने सारे medications फिलहाल मेरे चल रहे हैं. उसके साथ उन्होंने मुझे 3 injections लेने को बोला था. The first one was steroid and for next 2 days that was a painkiller. तो steroid हमने बहुत सारे discussion के बाद नहीं लिया We asked the doctor also, he said since you are complaining that you are not even able to sleep, sit or walk, so
So steroid will give you that relief immediately, but we decided we'll not take the steroid. We just went ahead with two painkillers. So back to back we took two painkillers. घर पे nurse को fix बुला के हमने वो painkiller ले लिया. With 2 days of complete medications and painkillers, I actually started feeling little better. मेरा उतना जो बैठने में उठने में हर एक चीज करने में जो problem मुझे हो रही थी, it was I was feeling like this. Someone has put some sharp object there. So even if I move my body 1 degree here and there, something is hurting very badly. So that was the feeling, but that thing was gone after 2 days. I had pain, but it was reduced, I would say to 40% or 50%. And उसके बाद मुझे कुछ physiotherapy भी उन्होंने suggest किया है. तो yesterday a lady came for physio from Apollo Home Care, but I didn't really like the service. मुझे उतना effective नहीं लगा. तो आज हमने उनसे service नहीं लिया. We have booked the physio from a different hospital. So let's see how it works from tomorrow. क्योंकि सभी ने मुझे बोला है कि medications will just suppress your pain, but the actual effect you will see after the physiotherapy. But yesterday's physiotherapy was not that effective. I would say मुझे कुछ भी effect नहीं मालूम हुआ, इसलिए हमने आज किसी को भी Apollo से नहीं बुलाया. Also the lady came. Somehow I felt that she was very tired by the end of the day at 6:30, and she was not really keen to do many things. So that's what my experience. I don't know, I might be wrong. तो ये सब करके आज मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ. होपफुली सब कुछ ठीक हो जाएगा. मैं बहुत डर गई थी कि सडनली इतना ज़्यादा पेन कि मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, बैठ भी नहीं पा रही हूँ. मतलब एक नॉर्मल रेगुलर लाइफ में जहाँ की मैं सब कुछ कर रही थी, अचानक से अगर आपका मोबिलिटी ज़ीरो हो जाए सो यू डेफिनेटली फील बैड. एंड उसके लिए ना तो मेरा मूड भी बहुत ऑफ था और मेरे पास कोई एक्टिविटी नहीं था कि मैं व्लॉग करूँ. सोफे के एक कोने में ऑलमोस्ट मैं बैठी रहती थी या तो मैं सोई रहती थी और टीवी देखती थी. एंड इसीलिए दीपांजन भी दिस एंटायर वीक इज डूइंग वर्क फ्रॉम होम टू हेल्प मी आउट विथ डे टू डे थिंग्स. वही एक्चुअली फ्लरी किया रखा, 3 times का खाना, फिर सुबह की चाय, फिर हमारे जो भी कुक या हेल्प आते हैं उनके जो भी इंस्ट्रक्शंस है, और घर के बहुत सारे बाकी के काम रहते हैं, सब कुछ फिलहाल वही संभाल रहे हैं. अभी मैं थोड़ा बहुत हाथ लगा पा रही हूँ. मैं उतना ही कर रही हूँ जितना करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही, मुझे बेंट नहीं होना पड़ रहा है. तो खड़े होके मैं जितना उसको हेल्प कर सकती हूँ उतना मैं कर रही हूँ. होपफुली थिंग्स विल गेट बेटर एंड आई विल ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग बेटर. आई एम ऑलरेडी स्टार्ट फीलिंग बेटर. और बस इतना ही. इसके लिए व्लॉग नहीं आया एक हफ्ते से, बट ये व्लॉग मैं फाइनली आज शूट कर रही हूँ. आज मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, मुझे थोड़ा सा एनर्जेटिक भी फील हो रहा है. सो होपफुली नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ और ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें शेयर कर पाऊँगी. एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. एंड अगेन आई डू अपोलोजाइज दैट आई कुडंट अपलोड वीडियो फॉर मोर देन अ वीक. आई एम रियली रियली सॉरी. ये वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट येट. और अगर मेरे बकबक सुन के बोर हो गए हैं तो मुझे पता है आप लोगों ने लास्ट 1 week से फ्लरी कियारा को कितना मिस किए होंगे. तो थोड़ी देर और वेट कीजिए, मैं व्लॉग एंड करने से पहले फ्लरी कियारा से ज़रूर मिलाती हूँ. फ्लरी शिप बाय बाय टू एवरी वन. शिप बाय बाय मामा. ओ मामा शिप बाय बाय. Here is cute saying bye to everyone. After vaccination and total thorough checkup, आज हम थोड़ा जल्दी डिनर खिला रहे हैं. वेट के पास से आने के बाद दोनों ने हाफ बनाना एंड थोड़ा सा ट्रीट्स भी खाए है. ऐसा नहीं कि डी आर स्टॉलविंग, बट फिर भी लुक इट कियारा कहीं नहीं देखेगी. एंड हियर इज डैडी. हाय. ऑलमोस्ट द टाइम टू से बाय राइट. यस. So daddy hi and bye साथ में बोल रहे हैं, क्या करेगा बेचारा. है ना मम्मी. चलो बाय गाइस. बाय 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 बाय. मम्मी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना. बाय गाइस.